नमस्ते, हेलो, वेलकम टू कारज व्लॉग। आई एम करुणा, है ना। सो आज हम निकले हैं कहीं घूमने के लिए। आप वो तो देख के थोड़ा बहुत समझ ही पा रहे होंगे, एंड ये ब्यूटीफुल से लोकेशन में हम रुके हैं। देखिए कितना अच्छा पिंक पिंक फ्लावर्स है। एनीवेज, आज हम जा रहे हैं मेकेदातू और संगमा घूमने। इट्स अ वन डे आउटिंग, है ना, वीकेंड ट्रिप्स फ्रॉम बेंगलुरु का ये पार्ट है। और मैं रोड्स को वगैरह को सबको सब कुछ कैप्चर की हूँ। ये जर्नी हमारा कुछ 90 किलोमीटर्स का है। तो ये वीडियो आप डिटेल में देखो। आपको अगर ये जगह एक्सप्लोर करना है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ब्रेकफास्ट कहाँ करना है, रोड्स कैसे हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक थम्स अप, लाइक, कमेंट कर दीजिए, है ना। और नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वी लेफ्ट आर हाउस अराउंड 10 AM, और जो रोड हम आज लेने वाले हैं वो है नाइस रोड एंड देन कनकपुरा रोड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। सो नाइस रोड में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हालांकि मैंने जितनी बार अप डाउन की है बहुत ट्रैफिक तो नहीं मिला है, स्टिल प्लान इट वेल। और ये हम कट ले रहे हैं टुवर्ड्स कनकपुरा रोड, और आ गए हम कनकपुरा रोड में, है ना। तो 71 किलोमीटर्स का जर्नी अभी भी यहाँ कनकपुरा रोड से बाकी है हमारा। और बस निकल गए हैं। और एज यूजुअल थोड़ा नाइस रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो प्लान करके आइएगा इधर, नहीं तो थोड़ा आपको ट्रैफिक पे इश्यूज हो सकता है, है ना। ये एक अपडेट आपको देना चाहती थी। ये देखिए हमारे राइट में आर्ट ऑफ लिविंग क्रॉस हो रहा है। अभी अभी रविशंकर जी पास भी हुए इधर से। सो हम कुछ एक छोटे से होटल पे रुके हैं फॉर अ ब्रेक, है ना। सो टाइम हो गया है कुछ 11:35, और हम ना एक लिए रुके हैं क्योंकि अभी थोड़ा रास्ता हमारा बाकी है। जगह पे क्विकली चाय पियेंगे और फिर बाकी की जर्नी के लिए प्रोसीड करेंगे। अराउंड 40 किलोमीटर्स अभी भी बाकी है मेकेदातू और संगमा के लिए। तो यस, आपका पुलाव इज इट गुड? आपको याद है यार शिवा समुद्रम हम लोग कुछ 8-10 साल पहले जा रहे थे तो रुके थे। अर्ली मॉर्निंग। हाउ इज इट बालू डोसा? वेरी टेस्टी। टेस्टी है ना। सो ये जो चौक आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बेसिकली कनकपुरा रोड तो स्ट्रेट पूरा कंटिन्यू होगा। हम लेफ्ट यहाँ से टर्न ले रहे हैं फॉर गोइंग टुवर्ड्स मेकेदातू। ब्यूटीफुल से रास्ते से चले जा रहे हैं, एक विलेज एरिया क्रॉस हो रहा है यहाँ पे मेकेदातू, और 30 किलोमीटर्स दिखा रहा है। हम लोग आए थे चुंची फॉल्स, तो उसका भी सेम रास्ता है। तो अगर आप मेकेदातू और संगमा कवर करने आते हो ना, तो चुंची फॉल्स जरूर जाइएगा। बहुत अमेजिंग सा प्लेस है, अपना जा करके यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम आउट देयर। मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसको मैं आई बटन में डाल दूंगी, सो आप देख लेना वो लिंक क्लिक करके, इन केस यू विश टू। कैसा लग रहा ड्राइव? अभी खाली रोड है, सोचे थोड़ा बात कर लेते हैं। बढ़िया, नजदीक आ गए हैं। हाँ, और जितना नजदीक आ रहे हैं उतना हरियाली बढ़ता जा रहा है। खूबसूरत दिख रहा है, ड्राइव इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। कुछ नहीं तो दोनों साइड में पूरा ग्रीनरी है। कोरेकल राइट से रिवर क्रॉस करके संगम को, अच्छा, और फिर उधर से बस पकड़ करके, अच्छा, मेकेदातू जाया जाता है। ओके, लगता है ना। वही वही, एग्जैक्टली। थोड़ा सा दूर पे निकलिए और आपको इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस
दिखने लगेंगे। तो नरेंद्र जी, आपकी स्पेशल फरमाइश पे हमारा मगही का कॉन्वर्सेशन इट गोज आउट लाइक दिस। का धीरज बाबू कहाँ लेके चली था आज? संगम हमने चली थी। अच्छा, कितना दूर है बेंगलोर से? बहुत, बेंगलोर से 80 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ, फॉरेस्ट वाला एरिया सब अच्छा लगी थी देखे में ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। तो वही, यहाँ से फॉरेस्ट जोन स्टार्ट होता है। आप कुछ बेसिक सी एंट्री करोगे, लाइक व्हीकल डिटेल्स, नेम, कितने लोग हो एक्सेट्रा, है ना। ये देखिए, कुछ अच्छा बड़ा सा पार्किंग स्पेस है ना। तो पानी तो काफी शैलो दिख रहा है, काफी कम है। और चलिए जाते, क्रॉस करते हैं इस जगह को। ये देखिए, अच्छा लग रहा है। बहुत कम आपको किसी नदी में इस तरह से वॉक करने का मौका मिलता होगा, और अमेजिंग दिख रहा है ये। कैसा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी इतने गर्मी में? ये देखिए, पानी है एकदम साफ, लेकिन देखिए नीचे पूरा वो स्टोन्स वगैरह दिख रहा है। मजा आ रहा ना। तो यहाँ पे आप सब मछली स्पॉट कीजिए, ध्यान से देखिए, क्या ना तो आपको मछलियाँ दिखेंगी यहाँ। तो आप आराम से इस रिवर को केयरफुली क्रॉस करके और इस तरफ आते हो, एंड थोड़ा मंकी वगैरह से सावधान रहिएगा, देखिए घूमते रहते हैं। और इस तरफ जो फॉरेस्ट जोन देख रहे हो ना, यहीं से आपको उस साइड पे बस मिलेगा। मिस्टर डी के नदी क्रॉस करके मजा आया? कम हो गया ना, कितना गड़ रहा था पैर में। वही वही, और विमान को तो देखिए, फुल एंजॉय कर रहा है, उसको बाहर ही नहीं आना है। काफी ब्यूटीफुल सा यहाँ माहौल है, लेकिन थोड़ी गर्मी ज्यादा है, पर अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मंकी का, वो मेकेदातु के तरफ ना डैम है कहते हैं उधर, और वो उसके लिए बस से लेकर जाते हैं इधर से। सो गोइंग टुवर्ड्स दैट बस, बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। वो बेसिकली आप ये जो बगल में रिवर है वो क्रॉस करके इस तरफ आते हो, और फिर यहाँ से बस से जाते हो, है ना। देखते हैं, आई विल लेट यू नो द चार्जेस एक्सेट्रा कि क्या है बस बोर्ड करने का। ये वो बस है जिसमें अभी हम बैठेंगे, और लेकर ये बस हमें जाएगी मेकेदातु के तरफ। काफी गर्मी है, पानी वानी अच्छे से लेकर आइएगा, है ना। कोराकल तो अभी नहीं चल रहा है क्योंकि पानी बहुत कम है। ऐसे बहुत ज्यादा वाटर वाले सीजन में कोराकल वगैरह चलता है, और वो आपको ये रिवर क्रॉस करा के इस तरफ लेकर आती है, और फिर यहाँ से आप बस बोर्ड करके और मेकेदातु की तरफ जाते हो। देखिए, ये कुछ 60 रुपीज का हम टिकट लिए हैं पर हेड, और इसमें शायद आने का और जाने का दोनों कवर्ड है ना। तो ये आपको बस में बैठने के, कंडक्टर भैया है ना, वो घूम घूम के टिकट ले रहे हैं, जैसे बीएमटी बसेस में, बीएमटीसी बसेस में होता है। आओगे तो आपको ये छोटू सा शॉप मिल जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और ठंडी भी आपको मिल जाएगी, है ना। ये दो बच्चे यहाँ पे मुझे दिखे, वो छोटू उधर बैठा है, बंदरों को भगा रहा है। सो कुछ अगर स्नैक्स चाहिए होगा तो कुकीज और ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये जस्ट बस ना, एक्चुअली हमें वहाँ पे देखिए कहीं पे उतारा था, और बस हम चल के आए हैं, और कुछ इस तरह की जगह पे अच्छा सा सिटिंग स्पेस है। और ये रहा एक व्यू पॉइंट, इनकेस आप अगर नीचे नहीं जाना चाहते हो 22 स्टेयर्स ना, तो यहाँ पे खड़े होके इस ब्यूटीफुल से व्यू का मजा उठा सकते हो। कुछ इस टाइप का स्टेयर्स है, और आगे के रास्ते के बारे में बताऊंगी, है ना। थोड़ा कच्चा कच्चा सा रास्ता है, तो जिनका एज है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है यहाँ नीचे आने में, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ आने में, बट
यंग पीपल कैन इजीली गेट डाउन। कुछ टूटे फूटे से रास्ते हैं, है बालाजी जा रहे हैं सामने सामने। अलग सा जगह है ये और काफी पथरीला है। आई एम श्योर पानी के सीजन पे ना यहाँ काफी वाटर आपको देखने को मिलते होंगे। कुछ इस तरह के चट्टानों के बीच में हम चल के जा रहे हैं। सो देखिए हम वहाँ कहीं ऊपर से उतरते हुए आए हैं। थोड़ा कंफर्टेबल शूज वगैरह में आइएगा यहाँ आने के लिए, है ना। करुणा कुमारी का टिप नंबर 2 कि आपको कंफर्टेबल शूज पहनने होंगे इस जगह पे, है ना। बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है ना सामने, वहाँ पे वाटरफॉल्स है और ये ना पूरा पत्थर एक अलग किस्म का है एंड अलग तरह का पहाड़ है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी डेंजरस भी है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा आते समय, ऐसा नहीं कुछ भी कीजिए। द सराउंडिंग व्यू ऑफ दिस, आई मीन एन ओवर व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो मेकेडाटू का मेन स्पॉट देखने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स द संगमा। सो काफ़ी मस्त वाला उबड़ खाबड़ रास्तों से ऑफ रोडिंग करते हुए हम फाइनली आ गए वापस, है ना। छोटू सी बस थी तो काफ़ी जर्क कर रहा था। सो थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े में आइएगा, यहाँ थोड़ा गर्म भी रहता है और वही कंफर्टेबल शूज़ कंफर्टेबल कपड़े, है ना। और बेसिकली जो मेकेडाटू है ना, यहाँ संगम पॉइंट है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, दो नदियाँ मिलती हैं जिसको अर्कावती नदी बोलते हैं और कावेरी नदी, तो वो दोनों एक जगह मिलती है। देखिए ये जो इस तरफ है ना, देखिए लंबा नदी उधर से होता हुआ आ रहा है, ये कावेरी नदी है जो वहाँ स्ट्रेट से आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है। देखिए वहाँ से आ रहा है जो स्ट्रेट, ये कावेरी है। और यहाँ ये देखिए फ्रॉम दिस साइड इट इज अर्कावती, काफी साफ सुथरा पानी है। और ये बीच में देखिए यहाँ पे इसका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, कावेरी और अर्कावती मिल रहे हैं, तो इसको संगम बोला जाता है। आपको अभी मेकेदातु का मैंने दिखाया ना, तो ये मिक्स होकर के उधर फॉल करता है। सो यही इस जगह की स्टोरी है, काफी साफ सुथरा पानी है, काफी सारे लोग हैं जो यहाँ बम बम कर रहे हैं। और चलिए क्विकली निकलते हैं यहाँ से, कुछ खाए नहीं है तो कुछ खाएंगे पहले तो नदियाँ क्रॉस करके। होटल है जो यहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो इनकेस इधर आते हो तो। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज संगमा, एंड कि कैसा खाना ये सर्व करते हैं मैं आपके साथ फीडबैक शेयर करूँगी, है ना। यार पैर में ना जो पत्थर चुभ रहा था ना रिवर क्रॉस करने के टाइम में, मैं क्या ही बताऊँ, फुल एक्सरसाइज हो गया। ठीक है क्या खिला रहे हो, मस्त वाली भूख लगी है यार। मेन्यू सामने है, मेन्यू सामने है, जो पिक करना है। नहीं नहीं जो आप खिला दो स्वामी, एक सेलेक्ट कर लीजिए। वेरी नाइस मीटिंग यू गाइस, तो आज सरप्राइज हो गई मैं, फर्स्ट टाइम एवर आप लोगों से मिल रही हूँ, सो इट वॉज रियली प्लेजेंट मीटिंग यू गाइस। कीप ट्रैवलिंग, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, थैंक्स, बाय 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 बाय। सो खाना डिसेंट था, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बट इट वाज ओके ओके काइंड ऑफ फूड दैट दे सर्व्ड अस। कुछ 500 रुपए का बिल आया था। चीज जिसके बिना मेरी जर्नी इनकम्प्लीट रहती है ना, चाय तो चाहिए। सो इन केस अगर आप नहाते हो ना यहाँ पे, तो भी आपको ड्रेसिंग रूम वगैरह कपड़े चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। सीजनल बेसिस पे मान लीजिए बहुत रेनी सीजन है और आपको वो नदी क्रॉस करना है, तो उनके लिए ये कॉरिकल वगैरह उस समय बहुत काम आता है, तो इसीलिए यहाँ रखा हुआ है। शाम होते होते ना इस जगह का वेदर इतना अमेजिंग हो गया है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए
हल्का हल्का सनसेट का जो टाइम होता है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना। मौसम भी ठंडा हो गया, आए थे तो काफी गर्म था। आपका मजीगे बहुत टेस्टी, थैंक्स। सो ये अम्मा के तरफ से मुझे मिला एक और, बहुत टेस्टी है, आइएगा अम्मा के पास जरूर पीजिएगा मजीगे। आइए चलिए आपको यहाँ पे आसपास के मार्केट का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। एकदम पास में ही है, जस्ट आप संगमा से निकलोगे वैसे ही। सो फिश वगैरह के काफी सारे आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जिलेबी, जिलेबी, ये टाइगर रघु। अच्छा, ये सभी फिश का नेम है क्या? हाँ, वो नॉनवेज खाते हैं। ये बताइए भैया, यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या होता, बेस्ट टाइम टू विजिट? मैडम सुबह को आए तो टाइम इधर नेकेदर फॉल्स है, घूमने के लिए अच्छा है। अच्छा, नहीं तो उधर नहीं गए तो इधर पानी में नहाने से। अच्छा, और मंथ कौन सा सबसे अच्छा होता? अभी तो थोड़ा पानी कम है, कोराकल वगैरह सभी रखा हुआ है। अगस्त सितंबर में आया तो फुल रहता पानी इधर। अच्छा अच्छा, कोराकल से लेकर के उधर क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, बोट देखे उधर बस में जाना। अच्छा अच्छा, नहाने के लिए जब नहीं छोड़ता है। अच्छा अच्छा, जब कंट्रोल रहता पानी फुल रहता ना, जब कंट्रोल रहता है, अब पानी कम है ना, अब पानी में नॉर्मली क्रॉस कर सकते हैं, अभी कम है तो। भाई भाई भाई, ठीक है। तो कुछ ऐसा था आसपास का मार्केट और शॉप्स, है ना। और इसी के साथ यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 5:30। तो चलिए चलते हैं टूवर्ड्स आवर होम। वाओ, देखिए कितना प्यारा सा इस जगह पे सनसेट हो रहा है। और हम निकले हैं जस्ट मेकेड आटू से, तो है ना, कहीं आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगी, बहुत अमेजिंग सा प्लेस है, काफी खूबसूरत दिख रहा है। देखिए बैकड्रॉप में सनसेट हो रहा है ना। यहाँ काफी लोग रुक के फोटो सेशन वगैरह भी कर रहे हैं, एंड श्योरली यू कैन बी एट दिस प्लेस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। खाने वाने के लिए स्नैक्स पैक करा लीजिए, फिर यहाँ पे रख के खा भी सकते हैं। और चलिए आपको कुछ इस जगह का ना एक ब्यूटीफुल सा व्यू देती हूँ, कि अगर आप मेकेड आटू आओ तो इस जगह को एक बार मिस मत कीजिएगा, फोटो पॉइंट या फिर उस तरह से, यू कैन ट्रीट दिस प्लेस। और इस जगह के चारों तरफ आपको ब्यूटीफुल वैली का व्यू दूर दूर तक खुला खुला महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ से सनसेट देखना। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो ब्लॉग है मेकेड आटू संगमा और ये स्पेशल प्लेस जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना, एंड हिट द बेल आइकन। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हो यार, तो एक अच्छा सा कमेंट डाल दो, लाइक डाल दो। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए ब्लॉग में, तब तक ये अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, है ना, स्टे हैप्पी एंड या स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Bye!